इतना आप लोग भरोसा रखो कि मैं सदैव आपका था, आज भी आपका हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका रहूंगा। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैं आया हूं प्राकृतिक विपदा के मामले में, आपके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी तभी निभा सकता हूं जब आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अब जब मैं आप कह रहा हूं तो मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं समूचे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। रिश्ता जब बनता है तो दोनों तरफ से विश्वास का, 17 साल तो मैंने अपनी जिंदगी के आपके ऊपर निछावर कर दिए थे ना, फिर भी मेरे तरफ से कोई कमी रह गई होगी कि आपने इस बार अपना आशीर्वाद नहीं प्रदान किया। मैं कसूरदार आपको नहीं मान रहा, शायद कसूरदार मैं ही हूं। आपका 100% नहीं 500% हक था मांगने का, क्योंकि आप मुझसे नहीं मांगते तो किससे मांगते। पर आपकी जिम्मेदारी थी 5 साल में एक बार, मेरी जिम्मेदारी थी जिंदगी भर। पर आज मेरे दिल में भी तो पीड़ा है और वो पीड़ा होते हुए भी क्या करूं मैं, आप मेरे परिवार हो। मेरे दिल में पीड़ा है लेकिन मैं परिवार का मुखिया हूं। अगर आपके दिल में पीड़ा है तो वो प्यार मुझे खींच के लेके ही आता है आपके बीच में, मैं क्या करूं। और आपकी रक्षा की लड़ाई आपके सांसद न होते हुए भी मैं लड़ूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सांसद के रूप में आपने किसी और को चुना, चुनाव कोई जीतता है कोई हारता है, चुनाव के बाद भी मैंने उनको बधाई दे दी, वो जीते हैं मैं हारा हूं, तो मेरा रिश्ता तो आपके साथ है ना। हाँ, दिल में पीड़ा है, दिल में दुख है, दिल में दर्द है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। मैंने 17 साल आपसे झूठ नहीं कहा तो आज मैं झूठ नहीं कहूंगा। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि क्षेत्र में तीसरी बार बाढ़ आई, अभी इंदौर का मेरा दौरा था, ग्वालियर का मेरा दौरा था, महाराष्ट्र के चुनाव की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स आज थी दिल्ली में, लेकिन मैंने सब रद्द कर दिया और कल रात को 8:30 बजे ग्वालियर से निकल के 1:30 बजे रात को मैं चंदेरी पहुंचा हूं और आज सुबह आपके बीच में किरोला में मैं पहुंच गया। हमारा और आपका संबंध एक हृदय का है, सदैव मैंने कहा है कि सुख के समय में मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन खुदा न करे अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर क्षेत्र में आएगी, और कोई आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ सदैव खड़ा रहे। आज जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, प्राकृतिक विपदा आई है दोनों तरफ से, एक तरफ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, दूसरी तरफ अतिवृष्टि का प्रभाव रहा है, और हमारे किसान फसल बोते हैं इसी कामना के साथ, विचारधारा के साथ कि फसल अच्छी होगी, और पूरी संभावना थी इस साल की बंपर फसल होने वाली है, एक एक खेत में फसल लहरा रही थी, लेकिन दोनों तरफ से ये चपेट आया, एक जमीन से चपेट आया और एक आकाश से चपेट आया, और दोनों के बीच में हमारे फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया। और इस विपदा के समय में आपके साथ में खड़ा हूं, मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री को लेके मैं आया हूं, मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं मुंगावली क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं, भिंड मुरैना श्योपुर
उस तरफ मालवा में गांधी सागर बांध प्रारंभिक आकलन में प्रशासन ने एक जायजा लिया है, लेकिन मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा है, एसडीएम को भी कहा है कि अब पहले दिन वर्षा थोड़ी थमी है। वर्षा थमने के इमीडिएटली बाद, फौरन बाद दोबारा आकलन होना चाहिए, एक किसान भी नहीं छूटना चाहिए। जिसकी फसल क्षतिग्रस्त हुई हो उसे पूरा पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे सोया हो चाहे उर्दा हो, एक एक किसान की भरपाई होनी चाहिए। अब वो राजस्व विभाग के नियम के अनुसार होगा, नियम का उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज शाम को मुख्यमंत्री से भी मिल रहा हूं आपके मामले पर, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि राजस्व विभाग तो अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन बीमा के तहत भी कृषि विभाग के द्वारा कुछ न कुछ राशि भी आप लोगों को दी जाए, तो ये प्रस्ताव भी मैं रखूंगा। इतना आप लोग भरोसा रखो कि मैं सदैव आपका था, आज भी आपका हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक आपका रहूंगा। और दिल में वो पीड़ा है चुनाव के परिणाम के आधार पर। 17 साल आप लोगों की सेवा मैंने की, भरपूर प्रयास किए, पर जो भी कमी रह गई हो आज वो दुख मेरे दिल में है। लेकिन जब आपको संकट का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे अपने दिल के ऊपर जो पत्थर है उसे अलग करना होगा और आपके लिए मुझे खड़ा होना होगा, और इसलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं, बैठो भी, क्योंकि मेरा संबंध आपके साथ है, आपके हृदय के साथ है। आज ना मैं आपका सांसद हूं ना मैं कोई राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन सामान्य नागरिक के रूप में आपके समक्ष मैं आया हूं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए। यही संबंध मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और इस पर आपको विचार भी करना होगा। वर्तमान में जो दुखद परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हो वो लड़ाई में लड़ूंगा, और भोपाल में जाकर तीनों विधायक भी मेरे साथ चल रहे हैं, वापस आकर आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के साथ भी हमारी क्या चर्चा हुई, और जल्द से जल्द आपको मुआवजा राशि दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज तो भैया